सो अलाउड डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्नाइपर्स के बारे में। बेसिकली स्नाइपर ही वो चीज़ है जो आपको सीएस रैंक के अंदर कमबैक करने के लिए काफी ज्यादा मदद कर सकता है, और मैक्सिमम प्लेयर इसी स्नाइपर को ही इग्नोर कर देते हैं। और पर्टिकुलरली वो प्लेयर्स जो रैंडम प्लेयर के साथ गेम प्ले करते हैं, वो इस स्नाइपर को बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। अब इसी वीडियो पे तो मैं आपको बता दूंगा कि स्नाइपर को कैसे परफेक्टली यूज किया जाए सीएस रैंक के अंदर। बट उससे पहले आप मुझे एक बात कमेंट करके बताओ कि आप सीएस रैंक के अंदर कौन सी चीज को सबसे ज्यादा हेट करते हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो मैं स्काइलर की एबिलिटी से और स्टेफी की एबिलिटी से बहुत ज्यादा हेट करता हूं। अब अगर मैं आप लोगों के हेट की गेस करूं तो आई थिंक आप में से मैक्सिमम प्लेयर रैंडम प्लेयर्स को हेट करते होंगे। अगर सही है तो कमेंट करके बताओ। अब चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और देखो, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद स्नाइपर चलाना स्टार्ट करोगे देन आपके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट प्रॉब्लम आपके साथ होगा कि आपका किल बहुत बार चोरी हो जाएगा, और सेकंड प्रॉब्लम है कि कभी कभार आपको बस 100 कॉइन के लिए स्नाइपर को बाय बाय बोलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास बस 2100 कॉइन है, जिसके वजह से मैं स्नाइपर को खरीद ही नहीं पा रहा। और तीसरी पॉइंट ये है कि कभी कभार आपको बहुत सारे कॉइन को बचाना भी पड़ सकता है ताकि आप नेक्स्ट राउंड पे स्नाइपर को परचेस कर सको। जैसे कि यहाँ पे मैंने 300 कॉइन बचा के रखा है ताकि मैं नेक्स्ट राउंड पे स्नाइपर खरीदूं। अब इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको काफी सारा टिप्स देने वाला हूँ, बट जो सबसे पहले मेन टिप है वो ये है कि आपको राफेल कैरेक्टर को यूज करना ही पड़ेगा। अब अगर आपको राफेल की एबिलिटी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप राफेल को लेकर स्नाइपर को चलाते हो देन आपकी स्नाइपर के अंदर ऑटोमेटिकली साइलेंसर लग जाता है, और जैसे ही आप किसी एनिमी को स्नाइपर से नॉक करोगे तो वो एनिमी 2 से 3 सेकंड के अंदर फिनिश भी हो जाएगा। सो वे वीडियो पे आगे बढ़ते हैं नंबर 4 टिप के साथ। और नंबर 4 टिप ये है कि अगर आपको स्नाइपर को यूज करना है देन सबसे पहले एयर ड्रॉप को टारगेट करो। अब ये इसीलिए क्योंकि जब आप स्नाइपर को स्टोर से परचेस करोगे वहां पे काफी ज्यादा कॉइन वेस्ट हो जाएगा और आप शॉर्ट रेंज की गन खरीद ही नहीं पाओगे। और ड्रॉप की एक स्पेशल बात यह है कि आपको वहां से ग्रेनेड भी मिल सकता है। अगर कोई एनिमी क्लोज रेंज पे आ जाता है देन आप उसे ग्रेनेड से ही नॉक कर सकते हो। सभी बढ़ते हैं नंबर 3 टिप की तरफ। और वो टिप ये है कि बहुत सारे प्लेयर कमेंट में ये पूछते हैं कि हम स्नाइपर से क्लोज रेंज में कैसे फाइट करें। बाई चांस हमारे पास ओनली स्नाइपर है और क्लोज रेंज पे एनिमी आ जाता है, तो उस टाइम पे आप फाइट को तभी विन कर सकते हो जब आप परफेक्टली एम करके एनिमी के ऊपर फायर करोगे, क्योंकि स्नाइपर पे डिफॉल्ट नहीं होता। और अगर आप क्लोज रेंज पे परफेक्टली एम नहीं कर पाते हो देन आपको उस स्किन को यूज करना है जिस स्किन के अंदर डबल एक्यूरेसी होगा। क्योंकि डबल एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर आप एनिमी के आसपास भी एम करोगे तब भी एनिमी को डैमेज आ ही जाएगा। सो वे बढ़ते हैं नंबर 2 टिप की तरफ। और वो टिप ये है कि स्नाइपर को परचेस करने से पहले आप ये कंफर्म कर लो कि आपके पास कम से कम एक शॉर्ट रेंज की गन और एक ग्लूवल जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं इस साइड से एनिमी को ऊपर रोटेशन लेने के लिए आया ही होता हूँ कि सामने मुझे एक एनिमी दिख जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्लोज रेंज के नाम पे मिनी ओजी को परचेस कर लिया था ताकि अगर कोई भी एनिमी मेरे ऊपर रस कर दे देन मैं उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। एंड यहाँ पे सेम वैसा ही होता है, एक एनिमी मेरे ऊपर रस कर देता है एंड मैंने बोला था कि कम से कम एक ग्लूवल होना चाहिए, और देखो वो ग्लूवल भी काम में आ गया। अगर यहाँ पे मेरे पास शॉर्ट रेंज की गन नहीं होता, ग्लूवल नहीं होता देन शायद ही मैं ये फाइट को विन कर पाता। अब ये वाला एनिमी को फिनिश करने के बाद इसके लूट से मुझे यूएमपी मिल जाता है, जिसके बाद मुझे फाइट लेने में और भी ज्यादा आसानी होता है। और बाय द वे ये राउंड पे मेरा क्वार्टर किल हो गया था। अब उसको भी थोड़ा फ्लेक्स कर लेते हैं कि कैसे मेरा क्वार्टर किल हुआ था इस राउंड। तो सबसे पहला किल तो मुझे मिल गया था मिनी ओजी से, एंड उसके बाद मैं कवर पे आ ही रहा होता हूँ कि एक एनिमी मुझे स्नाइपर का एक शॉट दे देता है। एंड उसके बाद मैं कवर पे रहकर पहले अपने आप को हील करता हूँ, फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि पीछे की साइड से निकल जाऊंगा, बट उतने में ही जोन काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, पीछे से जाने के लिए रास्ता ही नहीं होता है, तो मुझे कैसे भी करके सामने से ही जाना पड़ेगा। बट सामने सीमेंटेड में एक एनिमी है जो कि मुझे स्नाइपर से फायर करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास ना ही ग्लू वॉल था जिससे कि मैं कवर बना के जा सकूं, बट कैसे भी करके मैं जो सामने वाला पेड़ होता है उसकी कवर लेते हुए यहाँ पे आ गया। फिर ये वाले पेड़ के पास आने के बाद मैं यहाँ से ग्रेनेड कुक करता हूँ, बट वो ग्रेनेड तो मेरा फेल हो जाता है, बट यहाँ पे एनिमी मेरे ऊपर ग्रेनेड कर देता है। और फिर मैं सीमेंटेड की क्लोज पे जाता हूँ और वो एनिमी भी वहीं पे नीचे आ जाता है, और मैं उसको हेडशॉट से नॉक भी कर देता हूँ। फिर उसको फिनिश करने के बाद मैं सीधा पेड़ की कवर में जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ग्लू वॉल ही नहीं होता है। देन फिर इस पेड़ के पास से मैं ग्रेनेड को कुक करके डबल डोर की विंडो पे ग्रेनेड करता हूँ, क्योंकि जोन में आने के लिए वही एक रास्ता होता है। फिर वहां से भी एक एनिमी नॉक हो जाता है, यहाँ पे सिचुएशन हो जाता है 1v1। एंड फिर थोड़ी देर बाद लास्ट वाला एनिमी भी ओपन पे रस करता है एंड उसको मैं किल कर देता हूँ और मेरा क्वार्टर किल हो जाता है। बाकी अगर आपको इस तरह के कमेंट्री वाले वीडियो चाहिए देन आप हमारी प्ले एंड एक्सप्लेन सीरीज को फॉलो कर सकते हो, वहां पे इससे भी अच्छी कमेंट्री के साथ आपको गेम प्ले मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नंबर 1 टिप की तरफ। और वो टिप ये है कि अगर आप स्नाइपर को फास्टली यूज करना चाहते हो देन आप रिलोड ट्रिक को यूज कर सकते हो। इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले फायर करना है एंड उसके बाद गन स्लॉट पे क्लिक करके गन को रिलोड करना है, एंड उसके बाद दोबारा से आपको फायर बटन पे क्लिक करके फायर करना है। अब ये तो हो गई वो सारे टिप्स कि आपको स्नाइपर को यूज करने से पहले किन किन चीजों को फॉलो करना है। बट अभी हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी पोजीशन है जहां से आप एनिमी को इजीली नॉक कर सकते हो। सो अभी हम बात करते हैं नंबर 4 प्लेस के बारे में। एंड आई
थिंक इसके बारे में मैक्सिमम प्लेयर्स को पता होगा, बट इसमें मैं एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो नॉर्मली आप ये वाली ब्लैंक कंटेनर के ऊपर आके एनिमी को ऊपर ऐसे फायर करते रहते हो, बट कभी कभार क्या होता है कि एनिमी लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग है उसके रूफ में चले जाते हैं और मैक्सिमम प्लेयर उन्हीं एनिमीज को ही इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्रेन की एकदम ऊपर आ जाओगे देन आप उन एनिमी की हेड को एम कर पाओगे, एंड अगर आप हेड पे एक बार एम कर लिए देन आप उन एनिमी को इजीली फिनिश कर पाओगे, एंड ऊपर वाले एनिमी को फिनिश करने के बाद आप बाकी जितने भी सारे एनिमी हैं नीचे हो ऊपर हो उनको भी फिनिश कर पाओगे। बट आप यहाँ पे एक और ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो कि आप अपने टीममेट को यहाँ पे बैठा सकते हो, एंड अगर आप अपने टीममेट को ऊपर आ जाओगे देन आप और भी मैक्सिमम एनिमी को यहाँ से स्पॉट कर पाओगे। सो हम बढ़ते नंबर 3 ट्रिक की तरफ, और ये ट्रिक है सेंथुजा में। नॉर्मली क्या होता है कि सेंथुजा में राउंड स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे प्लेयर इस पोजीशन पे वेट करते हैं कि कोई एनिमी अगर सामने से रन करता हुआ जाएगा तो वो उसको एक शॉट दे देंगे, बट उसके बाद बहुत सारे प्लेयर अपने लोकेशन को चेंज कर देते हैं। बट अगर आप इसी पोजीशन पे खड़े रहोगे तो कभी कभार एनिमी क्या करते हैं कि फेंसेस के पीछे आके वेट करते हैं, और आप उन्हीं फेंसेस के पीछे जो एनिमी है उनकी हेड पे एम करके उनको नॉक कर सकते हो, क्योंकि फेंसेस के ऊपर थोड़ा सा हेड दिखाई देता है। एंड उन एनिमी को नॉक करने के बाद आप ये वाली विंडो से भी थोड़ा बहुत एनिमी के ऊपर डैमेज दे सकते हो, और अगर एक डैमेज के बाद वो एनिमी कवर पे चला जाता है देन आप उसके ऊपर ग्रेनेड करके भी उसको नॉक कर सकते हो। बाकी अगर स्नाइपर की एक शॉट के बाद कोई एनिमी नॉक नहीं होता है देन आप उस पर ग्रेनेड या फिर फ्लैश ब्रिज करके भी उनको नॉक कर सकते हो। सो अभी हम बात करते हैं नंबर 2 ट्रिक की तरफ, और इस ट्रिक पे आपको फर्स्ट रिलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आके एक एनिमी को ऊपर डैमेज देना है, एंड जितना जल्दी हो सके गन को रिलोड करके दूसरी शॉट कनेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे जल्दी जल्दी रिलोड करोगे देन आप दूसरी शॉट भी कनेक्ट कर पाओगे। मैं यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया वरना वो एनिमी इजीली नॉक हो जाता। सो अभी हम बात करते हैं नंबर 1 ट्रिक के बारे में, और ये ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो कैथोलिस्टिवा पे। तो कैथोलिस्टिवा के अंदर आप ये वाले वुडन हंड के ऊपर आके सामने जो एलसेप है उसके ऊपर जो एनिमी होगा उसको आप इजीली एक शॉट कनेक्ट कर पाओगे या फिर हेडशॉट भी दे सकते हो। बस यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि कोई भी एनिमी लेफ्ट साइड से आपको फायर ना करे। मैं ये ट्रिक को पहली बार यूज कर रहा था यहाँ पे, इसीलिए मुझे पता ही नहीं था कि लेफ्ट साइड से भी कोई एनिमी हम पे फायर कर सकता है। तो अगर आप इसको यूज करोगे देन लेफ्ट साइड पे एक ग्लूअल लगा देना या फिर थोड़ा सा एनिमी पे ऊपर ध्यान देना कि कोई एनिमी लेफ्ट साइड से आपके ऊपर फायर ना करे। तो बस आज के लिए इतना ही, और हाँ इस वीडियो पे मैंने ये फोकस करा है कि आपको स्नाइपर को यूज करने से पहले किन किन चीजों पे ध्यान देना है उसके बारे में बताने की और थोड़ी बहुत ट्रिक्स के बारे में बताने की। एंड अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला देन मैं इसका सेकंड पार्ट भी बना सकता हूँ, जहाँ पे हम बस स्नाइपर के एंगल्स के बारे में बात करेंगे, मतलब किन किन पोजिशन आप परफेक्टली फर्स्ट नॉक या फिर बहुत सारा नॉक्स निकाल पाओगे। एंड अगर आपको स्नाइपर के बारे में बेसिक ट्रिक जानना है देन आप ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज ये वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना। और आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर पर्सनल कनेक्शन बनाना चाहते हो देन मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर आप हमारे गिल्ड को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।